शहदाए वतन की लाजवाल कुर्बानियों को वजीर आजम पाकिस्तान का सलाम। पाकिस्तान किसी और की जंग में शिरकत नहीं करेगा। हमारी खारजा पॉलिसी कौम की बेहतरी के लिए होगी। मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है, हमें कमजोर तबके को हुकूक देना होंगे। पाक फौज की तरह दीगर इदारों में भी मेरिट का निज़ाम लाएंगे। वजीर आजम इमरान खान का GHQ में तकरीब से खिताब। हमारे जवान आग में कूद पड़े मगर मुल्क पर आंच नहीं आने दी। लहू जो सरहद पर बह रहा है हम उसका हिसाब लेंगे। हम पाकिस्तानी किसी मुश्किल से घबराने वाले नहीं। सब ने मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला किया और कामयाबी हासिल की। जो कौमें अपने शहदा को भूल जाती हैं वो मिट जाती हैं। हम मुत्तहिद रहेंगे तो अपने इरादों में कामयाब होंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का यौम दिफाए पाकिस्तान की मरकजी तकरीब से खिताब। हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान करने वालों की याद का दिन यौम दिफाए पाकिस्तान पूरी आन बान और शान से मनाया गया। शहर भर में जगह जगह तकरीबात का इनाकाद। 6 सितंबर की याद में फजा गाजियों और शहदा की यादों से मुअत्तर हो गई। मजार इकबाल पर पुरवकार तकरीब में पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। गैरिजन कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद आमिर की फातिहा खानी। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। फोर्ट्रेस स्टेडियम में यौम दिफा की मुनासबत से रंगारंग तकरीब। शहदा गाजियों के लवाहिकीन और शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद। वजीर आला उस्मान बुजदार, गवर्नर चौधरी सरवर और कोर कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज भी शरीक। जोश और वलवला अंगेज मिली नगमों पर दिल फरेब परफॉर्मेंस ने हाजरीन के दिल मोह लिए। माहिर पैराग्लाइडर्स ने फजा में परचम लहरा दिया। जवानों की शानदार अंदाज में फर्जी मशकें। गवर्नर पंजाब बोले, दुनिया की मुश्किल तरीन जंग जीती, शहदा की कुर्बानियों को नहीं भूलेंगे। पाक फजाइया के लड़ाका तैयारों की उड़ान से फजा गूंज उठी। F-16 और JF-17 थंडर की घन गरज। शहरियों की कसीर तादाद फोर्ट्रेस स्टेडियम की तकरीब से खूब महजूज। ऊंटों पर फौजी बैंड ने समा बांध दिया। जवानों ने घोड़ों पर नेजाबाजी का मुजाहिरा किया। कुत्ते भी दिलचस्प करतब दिखाने में पीछे न रहे। बाकमाल परफॉर्मेंस से खूब दाद समेटी। देखने वाले मैदान से नजरें ना हटा सके। Yeah.
नारों की गरज, बूटों की धमक, यौम दिफा पाकिस्तान, वाहगा बॉर्डर पर परचम उतारने की वलवला अंगेज तकरीब, कदम से कदम मिलाते, मुक्के और बाजू दिखाते रेंजर्स के जवानों ने शुरका का लहू भी गरमाया, वतन के जोशीले मुहाफिजों के बूटों की धमक से दुश्मन पर लर्जा तारी, फजा अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज उठी, जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। हमें पाकिस्तान से प्यार है, बल्दियाती नुमाइंदे यक जुबान, टाउन हॉल में यौम दिफा की मरकजी तकरीब, तलबा की मिली नगमों पर शानदार परफॉर्मेंस, गुलूकार हामिद अली ने मिली नगमों से माहौल गरमाया, लॉर्ड मेयर, कमिश्नर, डेप्टी कमिश्नर और स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर बाबर महमूद अब्बासी की शिरकत, शोहदा को खिराज अकीदत, मेयर का कहना है 65 की जंग में हमने साबित कर दिया घबराने वाले नहीं। यौम दिफा पर पाक फजाइया की लाहौर एयरबेस पर पुरवकार तकरीब, जंगी जहाजों और दीगर दिफाई असलहा नुमाइश के लिए पेश, बेस कमांडर एयरफोर्स एयर वाइस मार्शल इरफान अहमद और सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान और फजाइया के जवानों की शिरकत, स्कूल के बच्चों ने मिली नगमों और टैबलोज पेश किए, अब्दुल अलीम खान का कहना है पाक फौज दुश्मन के दांत खट्टे करने की भरपूर सलाहियत रखती है, हर शहरी फौज के शाना बशाना खड़ा है, सीनियर सूबाई वजीर की यादगार शोहदा पर भी हाजिरी फातिहा खानी। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ज़ेरे एहतमाम यौम दिफा की पुरवकार तकरीब, तालिबात ने बांसुरी बजाकर सुर बखेरे, तलबा की मिली नगमों पर शानदार परफॉर्मेंस। यौम दिफा पाकिस्तान पर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का अहसन इकदाम, रेस्क्यू 1122 के शहादा के बच्चों के लिए मुफ्त तालीम का ऐलान, रेस्क्यू हेडक्वार्टर में मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत करने की तकरीब, शहर में एक और आतिशजदगी का वाकया, कोट लखपत के इलाके में अद्वियात के गोदाम में आग भड़क उठी, रेस्क्यू की गाड़ियां मौका पर पहुंच गईं, एक घंटा की कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया। शाहबाग के इलाके में आमिर रोड पर पुलिस के मुबैना तशद्दुद से नौजवान जाम बहक, मुजाहिरीन ने टायर जलाकर शाहबाग रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया, मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि 26 साल इरफान पुलिस के तशद्दुद से जाम बहक हुआ। बाठापुर में खवातीन पर दुकान से चोरी करने का इल्जाम, दुकानदारों ने अपनी अदालत लगा ली, औरतों पर डंडों और थप्पड़ों की बारिश, बहिमाना तशद्दुद की वीडियो मंजरे आम पर आ गई, वजीर आला उस्मान बुजदार का नोटिस, पुलिस मुदय्यत में मुकदमा दर्ज, एक मरकजी मुलजिम गिरफ्तार, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी।
पंजाब असेंबली की नई इमारत के लिए अगले बजट में फंड्स मुख्तस करके मुकम्मल करने का फैसला। ब्यूरोक्रेसी हुकूमत के साथ है। काबीना में जल्द तौसी की जाएगी। कब्जा माफिया के खिलाफ सख्त ऑपरेशन होगा। वजीर आला पंजाब की स्पीकर चौधरी परवेज इलाही के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। चौधरी परवेज इलाही बोले, शहबाज शरीफ ने असेंबली की इमारत को भी अस्पताल समझ लिया, 10 साल से काम नहीं कराया। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत नई असेंबली की इमारत से मुतालिक इजलास। दोनों ने इमारत के मुख्तलिफ हिस्से देखे, सेहत सहन में पौधा भी लगाया। पंजाब काबीना का इजलास 8 सितंबर को तलब। वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार सदारत करेंगे। पंजाब कंपनीज स्कैंडल, ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा और महंगी गाड़ियों की रिपोर्ट तलब। ऑरेंज ट्रेन मंसूबे पर कितने फंड्स लगे, क्या मुआहदा हुआ, कितना काम बाकी, मुकम्मल रिपोर्ट काबीना इजलास में पेश करने का हुक्म। और जौहर टाउन एम्पोरियम मॉल में फैशन मेले का आखिरी रोज। उरूसी मलबूसात में हसीनो जमील मॉडल्स की रैंप पर वॉक। हसीनाओं की दिलकश अदाएं, देखने वाले दंग रह गए।